The Helka India News. Please like and share and don't forget to subscribe. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसे उपचुनाव हो रहे हैं। इन उपचुनावों से मौजूदा सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी यह तय होना बाकी है। यह बात स्वयं कुछ शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि मैं अभी टेम्परेरी मुख्यमंत्री हूँ, परमानेंट करने के लिए मुझे चुनाव जिताना पड़ेगा। आपको ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में सरकार रहेगी या जाएगी यह चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा। साथ ही साथ 28 में से 27 ऐसे उम्मीदवार बन गए हैं जो कांग्रेस में से जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। लगभग पौने दो साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ बैनर तले पोस्टर लगाकर विरोध किया था, बेईमानी व साथ ही साथ भ्रष्ट भी कहा गया था। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बन गए। ऐसी परिस्थिति में इन उम्मीदवारों व साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान को यह डर लग रहा है कि शायद भाजपा के कार्यकर्ता एवं दल बदलू उम्मीदवारों के पक्ष में विचार न कर ले, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का जिम्मा सरकारी अधिकारी कर्मचारी और पुलिस को सौंप दिया है। उपचुनाव में अपनी भूमिका को लेकर कहा कि उपचुनाव में दिग्विजय सिंह की भूमिका है कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ और कांग्रेस को जिताओ। तहलका इंडिया न्यूज के लिए अजय आहूजा की रिपोर्ट। उम्मीदवार बार गए और भारत पार्टी के उम्मीदवार इनका की अभी लगभग पहले भारतीय के विरोध किया था, स्टाफ पोस्टल के बैनर लगा, पर्चे बांट को बेईमान का अत्याचारी, अब वही भाजपा हो गए। स्थिति में लगा हुआ है और शिवराज सिंह जी को लगा हुआ है कि भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा विधायक के उम्मीदवार चुनाव ना में प्रचार ना करें, इसलिए उन्होंने पूरा प्रचार का जिम्मा सरकारी अधिकारियों विशेष पर सौंप दिया और पुलिस के कांग्रेस समर्थक वर्गों को विशेष पर धौंस दे रहे धमका रहे। ये बाण हमारे पास आया, आपने देखा कि उम्मीदवार के एक पीटा गया,